अहमदाबाद से 60 किलोमीटर दूरी पे आया उत्तरसंडा गांव पापड़ गांव के नाम से मशहूर है। यहां का पानी और हवा पापड़ों के लिए काफ़ी अनुकूल है। आइए आपको इस गांव से रूबरू कराते हैं। देश का एक गांव जहां पापड़ ने किस्मत बदली, एक गांव जहां पापड़ ने मचाई है धूम। इन पापड़ों ने ही गांव को गरीबी से निकाल कर करोड़पति बनाया है। दुनिया अक्सर पूछती है इस गांव का पता, जहां महिलाओं की मेहनत से करोड़ों का कारोबार होता है। कहते हैं भारत में पापड़ खाए बिना खाना हजम नहीं होता। बाजार में नए नए तरीके के पापड़ मिलते हैं, अलग अलग ब्रांड्स के, जिनमें से ज्यादातर पापड़ गुजरात के उत्तरसंडा से बनते हैं। उत्तरसंडा में करीब 18 पापड़ों बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं। यहाँ से बने हुए पापड़ विदेश भी जाते हैं। उत्तरसंडा की खासियत सबसे ज्यादा ये भी है कि कारोबार में हाथ बटाने वाली सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। करीब 1000 महिलाएं यहाँ की फैक्ट्रियों में काम करती है। ज्यादातर पापड़ बनाने के बाद पैकेजिंग का काम महिलाएं करती हैं। नहीं सब आठ तक ही बनी हूँ पढ़ाई। हाँ आठ तक की है। फिर यहाँ पे? हाँ मेरे मम्मी पापा और भाई एक्सपायर्ड हो गए, इसलिए यहाँ पर काम कर रही हूँ। क्या काम करते हो? पैकिंग में ही रहती हूँ। हाँ 6 साल से पैकिंग में ही हूँ। इन मशीनों की वजह से पापड़ बहुत जल्दी बनते हैं। माना जाता है कि दिवाली के वक्त कमाई भी दुगनी रहती है। ये गांव विकास के मॉडल में खरा उतरा नजर आता है। जहां देश के ज्यादातर गांव अपने गरीबी पे रोना रोते हैं, अपनी मजबूरियों को ढोते हैं, वहीं पैरों पे अपने खड़ा होकर गुजरात का ये पापड़ गांव बहुत ही गांव के लिए एक मिसाल बनते हुए नजर आता है। 1990 से ये नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है और अभी उत्तरसंडा को पापड़ और आइसक्रीम की नगरी के जैसे पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। और यहाँ से पूरे इंडिया में हर एक कोने में और जहाँ जहाँ पर गुजराती रहते हैं वहाँ वहाँ पर इंडियन रहते हैं वहाँ वहाँ पर ये पापड़ जाते हैं। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, USA, UK, फ्रांस भी जाते हैं। गुजरात का ये गांव यूँ तो आम गांव जैसा ही है, लेकिन उत्तरसंडा का ये गांव पापड़ों के लिए मशहूर है। कैमरामैन हर्षल के साथ इतिका श्रीवास्तव, न्यूज़ व्यूज़।